नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। सितारगंज में आशा कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज में आशा कार्यकर्ताओं ने 8 माह से मानदेय न देने से नाराज होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। वहीं आशा वकर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी अभिलाष पांडे को ज्ञापन सौंपा। वही दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि बीते अक्टूबर 2022 से आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं दिया गया है, जिससे आशा कार्यकर्ताओं को गुजर बसर करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में लिखा है कि आशा वर्करों की कई बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा मीटिंग भी कराई गई है, लेकिन उसका भी भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। वही आशा वर्करों को सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है। साथ ही आशा वर्करों कहना है कि आशा वर्करों के जब तक 8 माह का मानदेय नहीं दिया जाएगा, जब तक आशा वर्कर किसी प्रकार का कार्य नहीं करेगी। कहना है कि आशा वर्कर ना ही संविदा कर्मचारी है ना ही सरकारी, उसके बावजूद भी आशा वर्कर पूरी मेहनत और ईमानदारी लगन के साथ कार्य कर रही है। उसके बावजूद सरकार द्वारा समय पर आशा वर्करों का मानदेय नहीं दे रही है, जिससे आशा वर्कर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। आशा मैंने यहाँ इकट्ठी है, अभी हम लोगों ने अपनी चिकित्सा प्रभारी मैडम को ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी मांगे तो अभी हमने इसमें की नहीं है, क्योंकि मांगे तो हम कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं, बट अभी तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। हमारी मेन समस्या ये है कि जो हमारा 8 माह से अभी तक किसी भी तरीके का मानदेय के इंसेंटिव के उस पर हम लोग कार्य करते हैं, वो भी हमारा 8 माह से सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। लगातार हम लोग यहाँ से लेकर देहरादून तक धरना दे रहे हैं। हमारे और भी ब्लॉक वाले सारे लोग हड़ताल में, आज हमें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा कि आज से हम लोग बिल्कुल ही कोई काम नहीं करेंगे, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो गर्भवती चेकअप हो, चाहे सरकारी डिलीवरी हो, कहीं भी कुछ भी होता है उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग कितना फील्ड वर्क करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही, हमारा कोई पैसा नहीं आ रहा, तो हम लोग आज से बिल्कुल काम बंद कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं करेंगे। तो हमारे द्वारा कोई भी सरकारी काम नहीं किया जाए। कितने वर्कर? लगभग 193 आशाएं हैं सितारगंज ब्लॉक से, और बकाया उत्तराखंड के 2-4 जिलों में पैसा पड़ा भी है, बट जिला उधम सिंह नगर का हाल सबसे ज्यादा खराब है। पिछली बार भी हमने 1.5 महीने हड़ताल की, धामी जी ने हमसे झूठे वादे किए और अभी तक उन्होंने अपना एक वादा पूरा नहीं किया। सिर्फ इसी खर्चे पे चलता है, इसी पैसे पे चलता है। कोई विधवा है, कोई किसी के पति नहीं है, बच्चों का पढ़ाई है, खर्चा है, कहाँ से पूरा करें? वो रोजोगी की उनके पास 10 रुपये टुक टुक वालों को देने के लिए भी नहीं हो। ज्ञापन दिया है, ये इनको जो JSY का भुगतान मिलता है एज ए आशा कार्यकर्ता, तो इनको अभी माह सितंबर तक का तो भुगतान हो चुका है, सितंबर के बाद अभी तक नहीं हो पाया है। उसके लिए उन्होंने हमें विज्ञप्ति दी कि हमारे वेतन के लिए आगे रिक्वेस्ट हो। ये हमारे द्वारा CSC द्वारा CMO ऑफिस द्वारा डिमांड भेज दी गई है, और उम्मीद है कि जून माह तक इनका सारा जितना भी भुगतान है वो कर दिया जाएगा।